फ्रेंड्स, यदि आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, जैस्मिन जैसे फूलों वाले पौधों की रुकी हुई ग्रोथ से परेशान हैं और उसमें फूल भी नहीं आ रहे हैं, तो आज का मैं फर्टिलाइज़र जो शेयर करने वाली हूँ, ये फर्टिलाइज़र इन सभी प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएगा और उसमें फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इसमें प्लांट की ग्रोथ के लिए सभी ज़रूरी पोषक तत्व उपलब्ध हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत तेज़ी से असर करता है। महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स पर यूज़ ज़रूर करें। अभी जब जनवरी का महीना चल रहा है, प्लांट की ग्रोइंग स्टेज है, गुलाब बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल दे रहा है, उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस समय यदि आप प्लांट को ये फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट में रुकी हुई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। आप मेरे प्लांट्स को देख रहे हैं, सभी प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और इनमें फ्लॉरिंग्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो आप भी इस फर्टिलाइज़र का एक बार यूज़ करके देखें, आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा। और गुलदाउदी जैसे प्लांट जिनमें अभी फूल आ चुके हैं और फिर से फूल आना बंद हो गए हैं, उस पर भी आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सभी फूलों वाले पौधों के लिए एसिडिक सॉइल पसंद होती है। और जो मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी वो प्लांट की सॉइल को एसिडिक करेगा। इसके साथ ही अच्छी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन है, तो प्लांट की नई ग्रोथ भी शुरू होगी, और यदि ग्रोथ रुक गई है तो वह भी तेज़ी से होने लगेगी। पोटेशियम इस फर्टिलाइज़र में अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। पोटेशियम प्लांट में फूल लाने के लिए ज़रूरी होता है। यदि प्लांट में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो फूल नहीं आते हैं और उसकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। तो प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा ये फर्टिलाइज़र और सभी प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल लाएगा। यदि बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है और प्लांट बहुत कमज़ोर हो गया है, तो आपकी ये समस्या भी दूर होगी। बहुत ही आसानी से दो चीज़ों की मदद से मैं ये फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी। इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले आपको ध्यान रखना है, प्लांट को आप जो भी प्लांट आपके फ्लॉरिंग प्लांट हैं उनको सनलाइट में ज़रूर रखें। जितनी भी अभी इस समय आपके यहाँ पर धूप आ रही है वो पूरी धूप प्लांट को मिलनी चाहिए। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल की एक बार गुड़ाई ज़रूर करें। किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने के पहले एक दिन पहले प्लांट की गुड़ाई कर दें। तो मैं शुरू करती हूँ इस फर्टिलाइज़र को बनाना। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है उपला, जिसे कि हम कंडा भी बोलते हैं। इसका यूज़ हमें फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करना होगा। आपको अपने आसपास ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, और यदि आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पे आप फिर गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं। पुराने गोबर की खाद का हमें यूज़ करना है। तो इस कंडे को आपको 2 लीटर पानी में अच्छी तरह से भिगोने रखना है। मैंने 2 लीटर पानी लिया है और कंडे को आपको इस पानी में अच्छी तरह से किसी वजनदार चीज़ से दबा देना है, क्योंकि कंडा पानी में तैरता रहता है तो वो अच्छे से गल नहीं पाएगा। तो मैंने इसको वजन से दबा दिया है। दूसरी जो चीज़ डालनी है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। आप फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। इसमें भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ ही ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, और हमारे सभी फूलों वाले पौधों के लिए एसिडिक सॉइल बहुत ही ज़रूरी है। तो 2 चम्मच आपको ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। यदि आप फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 1 चम्मच यूज़ करें। इसके बाद इसे हमें 2 दिन के लिए रखना है। 2 दिन के बाद कुछ इस तरह से हमें फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये देखिए, कंडा पूरी तरह से गल चुका है और कंडे को आपको हटा लेना है। आप देख पा रहे होंगे कि कंडा का कलर चेंज हो गया है, और ये देखिए फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। लेकिन हमें अभी इस तरह से फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, इसको डाइल्यूट करना होगा। 1 भाग फर्टिलाइज़र और 10 भाग आप सादा पानी मिलाएं, तभी अपने प्लांट्स पर डालें। इस फर्टिलाइज़र में थोड़ी हीट भी होती है, जो तेज़ी से ठंडक पड़ती है, तो उसमें आपका प्लांट सुरक्षित रहेगा और तेज़ ठंड में ख़राब नहीं होगा। आप इसको अपने प्लांट की सॉइल में डालेंगे तो प्लांट की जड़ें भी मजबूत होंगी और सॉइल में टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिससे कि प्लांट हमारा किसी भी तरह की तेज़ ठंड से, कोहरे पाले से सुरक्षित रहेगा। तो ये फर्टिलाइज़र का आप कलर देख रहे हैं, बिल्कुल चेंज हो गया है। इसको हमने छान लिया है, और छानने के बाद इसको आपको अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं। थैंक यू।